चलिए नजर डालते हैं न्यूज प्राइम 24 की खास खबरों पर। नवादा में लॉकडाउन के बीच चोरों का आतंक जारी। नगर भवन स्थित कला भवन से चोरों ने उड़ाया हजारों की सामान, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यालय का ताला तोड़कर लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। नवादा में पुलिस के जवान का इंसानियत बना मिसाल, खुद भूखा रह सड़कों पर भूखे को खिलाया खाना। नवादा में डोर टू डोर कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की जानकारी के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्रम की वारसलीगंज से हुई शुरुआत। नवादा के रजौली में कोरोना संक्रमण को लेकर डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग आरंभ, 24 टीमें कर रही सर्वे। नवादा नगर परिषद ने सफाई कर्मियों को प्रदान किया सुरक्षा कवच, नए लुक में दिखे सफाई कर्मचारी। नवादा में घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही सर्वे, सर्दी बुखार सहित किसी अन्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की जुटा रही जानकारी। नवादा के सिरदला में डीलर की मनमानी पर ग्रामीणों ने वीडियो कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन, ज्यादा पैसे लेकर कम अनाज देने का डीलर प्रेमचंद चौधरी पर लगाया आरोप। नवादा के रजौली प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित RTPS काउंटर पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की उड़ाई जा रही धजियां। नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड में डाक विभाग ने घुमंतो जिंदगी जीने वाले 400 परिवारों के बीच अनाज के पैकेट का किया वितरण। नवादा के पूर्व विधायक के भाई विनोद यादव ने लॉकडाउन में नवादा में फंसे छपरा और गोपालगंज के 15 मजदूरों के बीच राशन का किया वितरण। पटना में लॉकडाउन के बीच गरीबों के मसीहा बने ललन किन्नर, सैकड़ों गरीबों को खिलाया खाना। राजधानी पटना के सड़कों पर गुरुवार की शाम तेज रफ्तार ट्रक की कहर, एक की मौत, 10 घायल।